1936 मसीहा एप्रिल 1 तारीख दिन ओडिशा को स्वतंत्र प्रदेश मान्यता मिलितला। समय क्रमे खंड विखंडित अवस्था रे पहुंचीथिबा सुविस्तृत ओडिशा प्राय 500 वर्ष सीमाहीन जातिहीन और भाषाहीन अवस्था रे रहिबा परे एही दिन रे एकत्र होइथिला। 16 शताब्दी रो द्वितीयार्धरु माने 1568 रे शेष राजा मुकुंददेव को देहांत परे ओडिशा राजनैतिक विपर्यय देई गति करि आसुथिला। एहा सत्वे ओडिशार कवि ओ लेखकंकर साहित्य साधना अव्याहत रहिथिबारु ओडिया भाषा संस्कृति एक विशाल भूखंड रे तिष्ठि रहिथिला। किंतु 19 शताब्दी रे पाश्चात्य शिक्षा ओ छापाखानार प्रसार फल रे ओडिया भाषा ओ संस्कृति विपन्न होइ पड़िला। दुर्दशाग्रस्त ओडिया जाति क्रमे बहु बाधा विघ्न घटना ओ दुर्घटना देई गति करिथिला। ओडिशार स्कूल मानंकरु ओडिया भाषा उठाई दी बंगला भाषार प्रवर्तन द्वारा ओडिशा को धीरे धीरे बंग प्रदेश रे सामिल करिवार विराट चक्रांत होइथिला। सेहिपरि तेलुगु माने दक्षिण ओडिशार आधिपत्य विस्तार पाई मसुदा करिथिले। 1895 रे संबलपुर रे हिंदी को सरकारी कार्य और शिक्षार माध्यम करा जायथिला। एही परिस्थिति रे ओडिया भाषाभाषी अंचल गुडीकर एकत्रीकरण पाई आंदोलन आरंभ होइथिला। एही लक्ष्य हासिल पाई 1903 रे उत्कल सम्मेलनी गठित होइथिला। उत्कल गौरव मधुसूदन दासकर नेतृत्व तथा बहु राजा ओ जमीदार को सहयोग रे भाषा आंदोलन तीव्रतर होइथिला। शेषरे जन्म नेइथिला भाषा भित्तिक स्वतंत्र प्रदेश ओडिशा। भाषा आधार रे सृष्टि होइथिबा राज्य मानक मध्यरे प्रथम राज्य थिला ओडिशा। एहा आधुनिक ओडिशा इतिहास रे अन्यतम उल्लेखनीय घटना। ओडिशा गठन रे उत्कलमणि गोपबंधु दास, व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति, श्री रामचंद्र भंजदेव, पंडित नीलकंठ दास, कविवर राधानाथ राय, महाराजा कृष्णचंद्र गजपति देव, स्वभाव कवि गंगाधर मेहर, कर्मवीर गौरीशंकर राय प्रमुखंकर अवदान चिरस्मरणीय। तेबे स्वाधीन ओडिशार प्रथम गवर्नर थिले सार जॉन ऑस्टिन हवाक। आम देश भारत स्वाधीन होबा परे श्री हरिकृष्ण महताब थिले ओडिशार प्रथम मुख्यमंत्री और गवर्नर थिले श्री कैलाशनाथ काटजू। प्रतिवर्ष एप्रिल पहिला दिनटिकु उत्कल दिवस नामरे पालन कराजाए। स्वतंत्र प्रदेश गठनर कर्णधार मानंकु सम्मान अर्पण कराजाए। तेबे 87वां ओडिशा मूलद्वा दिवस तथा उत्कल दिवस रे समस्तंकु शुभेच्छा और अभिनंदन। Stop!